कृष्णा मेहरोत्रा और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सूजी गोल्ड कॉइन बनाएंगे। ये एक पुरानी और बहुत हेल्दी और अच्छी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो आइए सूजी गोल्ड कॉइन बनाना शुरू करते हैं। सूजी गोल्ड कॉइन बनाने के लिए हमने आधा कप सूजी लिए, इसमें सबसे पहले आधा कप दही डाल देते हैं। आधा चम्मच नमक आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा डाल लीजिए। एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच से कम गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला और एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, इसमें मिक्स कर देते हैं सब चीजें। अब सारी वेज इसमें मिक्स कर लेते हैं। एक चौथाई चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक इंच कद्दूकस करा हुआ अदरक, एक छोटा प्याज है इसमें को हमने बारीक बारीक काट लिया है, सारा प्याज इसमें डाल देते हैं। एक टमाटर है इसको भी हमने बारीक पीस में काट लिया है, थोड़ा सा टमाटर बचा लेंगे ऊपर लगाएंगे। एक छोटी शिमला मिर्च थी, ये भी हमने बारीक पीस में काट ली है, थोड़ी सी शिमला मिर्च ऊपर लगाने के लिए हमने बचा ली है। सारी चीज मिक्स कर देते हैं। और 3-4 मिनट के लिए रख देते हैं इसको। जब तक ये सेट हो जाएगा तब तक हम ब्रेड के पीसेस काट लेते हैं। ये हमने 6 पीस व्हाइट ब्रेड ली है, आप इसके लिए ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। ब्रेड को इस तरीके से कटोरी से काट लेते हैं या आप किसी कटर से भी इसको काट सकते हैं। इस तरीके से इसका गोल स्लाइस निकाल लेंगे। इसी तरीके से ब्रेड काट लेंगे। सारे स्लाइस कट गए हैं। इसका आप ब्रेड क्रम बना सकते हैं, ब्रेड क्रम बना के इसका हलवा बना सकते हैं ब्रेड का, इसको किसी भी यूज में ले सकते हैं। अब हम सबसे पहले ब्रेड पर इस तरीके से इसकी फिलिंग लगा लेते हैं सूजी की। चारों तरफ फैलाकर लगा देंगे। और 2-3 टमाटर के पीस और ये कैप्सिकम के पीस इसमें लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरे में भी सेट कर लेते हैं और सारी इसी तरीके से लगा के रख लेंगे। तवा गरम हो गया है, अब तवे में घी लगा देते हैं। आप बटर भी लगा सकते हैं। और जिस साइड से हमने पेस्ट लगाया था उस साइड से हम इसको ब्रेड इस तरीके से लगाएंगे। थोड़ा सा झरनी से दबाकर फ्लैट कर देंगे। बहुत तेज गैस नहीं रखेंगे, मीडियम सिम फ्लेम पर इसको सेकेंगे। साइड में दूसरा भी रख देते हैं। आप 2-3 एक साथ में सेक सकते हैं। घी लगा देते हैं इसमें और फिर दूसरे साइड से पलट कर सेकेंगे। बहुत तेज गैस में नहीं सेकेंगे, गैस धीमी रखेंगे जिससे क्रिस्पी सिककर आएंगे। एक बार पलट के इस साइड से और सेकेंगे। एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे इसको। दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया, इसको हम तवे पर से निकाल लेंगे। इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से सारे टोस्ट सेक लेंगे। सूजी
सूजी गोल्ड कॉइन बनकर तैयार हो गया है। ये बच्चों को आप टिफिन में भी पैक करके दे सकते हैं। आप इसे बनाइए, सभी को बहुत पसंद आएगी। और आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी लेटेस्ट रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए और अपने कमेंट्स हमारे संग शेयर करिए। एक बार फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ रचना मेहरोत्रा.com।